सब्सक्राइब करें माय टेक्निकल पेज और दबाएं बेल के इस आइकॉन को सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और मैं आप सभी का माय टेक्निकल पेज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डेस्कटॉप जैसा ब्राउज़र कैसे यूज करें। बहुत से लोगों ने क्रोम में यूज करते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि एकदम सेम टू सेम डेस्कटॉप एकदम डेस्कटॉप जैसा ही मिलेगा। वहाँ पे आपको कीबोर्ड मिलेगा, माउस का कर्सर मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए जानते हैं। हमें प्ले स्टोर में जाकर पफिन लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको जो ब्राउज़र मिलेगा उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे नेट बहुत स्लो चल रहा है जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम हो रही। मैंने यहाँ इसको इंस्टॉल करके रखा है तो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पफिन ब्राउज़र है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए आइकॉन बना हुआ है पफिन का, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये पफिन ब्राउज़र है, आपको सारा इंटरफेस जो है आपको एक डेस्कटॉप का मिलेगा। आप यहाँ पे आप डेस्कटॉप जैसा अनुभव कर पाएंगे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख के सर्च कर लीजिए, आपका सारा चीज़ डेस्कटॉप में खुलेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए कर्सर, कीबोर्ड, बहुत कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे। देखिए आपका यहाँ पर सारा चीज़ सेम टू सेम विंडो जैसा खुलेगा, जैसा कि आप विंडो चलाने पे यूज करते हैं। तो आपका कीबोर्ड है यहाँ पे आपका गेम खेलने के लिए है। आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं पीएसपी जोड़ के। और ये आपका कर्सर है, आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं कर्सर को ले जाकर टैप कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ क्लिक सर्च पे क्लिक करना है तो सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में टाइप हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ब्राउज़र है, आप एक बार ज़रूर इसका यूज करिए। आपको क्रोम में वो फीचर नहीं मिल पाता जो फीचर आपको इसमें मिल जाएगा, और क्रोम से बहुत ही तेज़ है, बहुत फास्ट है। यहाँ पे देखिए मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन तब पर भी यहाँ इस पर ओपन हो रहा है। तो आप इसका ट्राई एक बार ज़रूर करिए। वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद, और मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं रोज़ नए नए वीडियोज लाता रहता हूँ। देखते रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।